मुहर्रम में क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। बताओ मुझे, इस्लाम में कोई महीना मनहूस है? तो आप मुहर्रम को मनहूस क्यों कहते हो? मुहर्रम में अगर आप मर्सी लगा के घूम रहे हो गाड़ियों में, इट मींस आप सुन्नी नहीं हो। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हमारे पास, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम सुन्नत को फॉलो करते हैं। तो सुन्नत क्या कहती है? मैयतों पे गरेबान चाक करना, मैयतों पे चीखो पुकार करके रोना। आपने फरमाया लैस मिन्ना, वो हम में से नहीं है। और इस अमल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। लोग कहते हैं हुसैन की याद में रोना नबी की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्रील ने बताया कि हुसैन शहीद होंगे, आप रोए इसलिए कि उस वक्त आपको ये खबर मिली थी। लेकिन क्या हर मुहर्रम में आपने रोने का प्रोग्राम किया है या सहाबा को बैठ के बकायदा रुलाया है आपने? अगर आप सुन्नी हो तो फिर अहले सुन्नत वल जमात सहाबा ताबईन को फॉलो करते हैं, हदीस को फॉलो करते हैं। और हदीस में हमें मातम करना, नोहा करना, गरेबान चाक करना इसकी परमिशन नहीं है, बल्कि इससे रोका गया, इस अमल को हराम और नाजायज करार दिया गया। इनमें से कोई भी अमल ना हमें कुरान से मिलता है ना सहाबा से मिलता है हमें।